चित्तौड़गढ़ जिले को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। लॉकडाउन 3 में केवल आवश्यक सामग्री की दुकानें ही खुलेंगी। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित सामग्री की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी, साथ ही शराब की दुकानें भी खुलेंगी। इनका समय सुबह 7 से शाम 4 बजे तक का रहेगा। इसके साथ ही बाजारों में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। लॉकडाउन 3 लागू हो जाएगा जो 17 मई तक प्रभावी रहेगा। चित्तौड़गढ़ जिला ऑरेंज जोन में है, पिछले आज समय बहुत सारी छूट मिली है और निमाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में कर्फ्यू है, लिहाजा वहाँ किसी तरह की छूट नहीं होगी। लॉकडाउन 3 में बहुत सारी चीज़ों में हमें सहूलियत दी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा छूट दी गई है, पर दुकानों के मामलों में लगभग स्थिति यथावती है। शहरों में जो बाजार में कॉम्प्लेक्स मॉल बाजार मॉल में दुकानें हैं उनके अलावा सारी दुकानें खुलेगी। गाँवों में भी सारी दुकानें खुलेगी, उनमें सिर्फ मॉल में दुकानें वो बंद रहेगी, पर इसमें मिठाई जूस नाई की दुकान स्पा और सैलून वो कहीं भी हो किसी भी क्षेत्र में हो वो बंद रहेंगे, वो नहीं खुलेंगे। निजी वाहन में मैंने आपको बताया ना, ऑरेंज जोन में अगर कोई कार में सफ़र कर रहा है टैक्सी में सफ़र करता है ड्राइवर प्लस 2 अलाउ है, अगर कोई टू व्हीलर पर सफ़र करता है तो ओनली ड्राइवर अलाउ है और वो जिले में जो हमने टाइम दिया उस टाइम